हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी को, वो भी शाही स्टाइल में। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, क्योंकि घी में बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। और यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। देसी घी में तो और ज़्यादा बहुत अच्छी बनती है। घी जब आपका मेल्ट हो जाएगा तो आप इसके अंदर मटन को ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटन को वॉश कर लिया था, मैं मटन को इसमें ऐड कर रही हूँ। मटन ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही मटन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे अच्छे से। 2 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी तकरीबन मैंने 2 कप लिए थे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके लो हीट पर कुक करेंगे, ताकि हमारा जो मटन है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। आफ्टर 15 मिनट हम इसको एक चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा मटन अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसके अंदर टमाटोज ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। टमाटो ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, फ्रेश ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम हीट पर। आफ्टर 15 मिनट आप चेक कर सकते हैं, हमारे टमाटोज बिल्कुल गल चुके हैं और इनके जो छिलके हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं। अब हम वन बाय वन इन तमाम टमाटोज के छिलके उतार लेंगे। आप देख सकते हैं ये ईज़िली सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बाय वन मैंने तमाम छिलके उतार लिए हैं। जब तमाम छिलके आप उतार लेंगे तो हम इन तमाम टमाटोज को स्पून की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे। जब तमाम टमाटो हमारे मैश हो जाएंगे तो हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पानी ड्राई हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। देन आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो सके। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट मटन को अच्छे से फ्राई किया है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा, देन हम इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देंगे। योगर्ट ऐड करते हुए आप अपनी स्टोव की आंच बिल्कुल स्लो कीजिएगा, वरना इसके अंदर फुटकियाँ बन जाती हैं। ओके, योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी जो योगर्ट का पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। योगर्ट ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आँच पर कुक किया है। देन आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो रहा है मसाले से। इसका मतलब है कि हमारा जो कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसा कि फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़। मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने जस्ट जिंजर और ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं। इनको ऐड करने के बाद आप मज़ीद इसको एक दफ़ा मिक्स कर दीजिए, ताकि जिंजर का और ग्रीन चिलीज़ का जो टेस्ट है वो प्रॉपर सालन के अंदर जा सके। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मज़ीद मैंने 2 मिनट इसको फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। बिलीव मी, इसका खाने में टेस्ट और ज़्यादा बहुत अच्छा था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपके साथ इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।